आज हम आपको अपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में बोलना चाहते हैं। ये टूर्नामेंट आज हुआ है। हाँ, हम 42 आरआर की तरफ से हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका। हमें ये टूर्नामेंट नेक्स्ट टाइम भी चाहिए। और जो आजकल के बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ लगे हैं ज़्यादातर। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये गेम्स में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि गेम्स फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है, मगर जो आजकल के बच्चे वो ड्रग्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो छोड़ो और बैडमिंटन की तरफ देखो, मार्शल आर्ट्स की तरफ देखो। थैंक यू। मैं 9:50 से ब्लॉग करती हूँ। जो 42 आरआरबी बैडमिंटन टूर्नामेंट रखा था, 2 दिन के लिए था ये। कल एक दिन हुआ और आज दूसरा दिन है। बहुत ही बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हमने इसमें बहुत कुछ सीखा। ज़रूरी नहीं है कि हम ये पहले खेलते रहे कहीं पे फिर पार्टिसिपेट करें, नहीं करना चाहिए पार्टिसिपेट। ये जो हमारे लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स रखते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है और सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? जी सर, इसमें तकरीबन 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मैसेज आएगी आपकी तरफ से? मेरी यही मैसेज रहेगी, जो भी बच्चा है घर में बैठे हैं, मतलब स्पेशली पेरेंट्स से है, पेरेंट्स बंद करते हैं बच्चों को कि ना वहाँ पे ना जाए, यहाँ पे ना जाए, लेकिन पेरेंट्स से खास कर ये मैसेज रहेगी कि अपने बच्चों को मतलब जाने दो, हर एक इवेंट में जाने दो, उनको पार्टिसिपेट करने दो उनको, ताकि वो भी कुछ सीखे। ज़रूरी नहीं है।